दोस्तों नमस्कार मैं जगन्नाथ गौतम देश रोज़ाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है दोस्तों जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव की गति बढ़ रही है उसी रेसों में उसी औसत में पूरे हरियाणा के वोटरों की मतदाताओं की और यहाँ की जनता की भी दुख दुखी बढ़ती जा रही है हर पार्टी के अपने समर्थक होते हैं और कुछ समर्थक कुछ लोग ऐसे वोटर होते हैं जो पांच से दस परसेंट होते हैं जो ना किसी पार्टी से जुड़ते होते हैं बल्कि वो कैंडिडेट और माहौल देखकर अपना वोट देते हैं और दोस्तों आमतौर तो पर माना जाता है कि भाई कांग्रेस के इतने फिक्स वोट हैं किसी भी राज्य में या किसी जिले में या किसी पार्टी के और भाजपा के इतने हैं इन लोग के इतने हैं मतलब मिनिमम से मैक्सिमम का एक दायरा होता है कि इस पार्टी के इतने वोट फिक्स हैं बाकी जो जीत और हार होती है वो होती है फ्लोटिंग वोटर से जो माहौल देखकर और कैंडिडेट कैसा है उसका जो टेप रिकॉर्ड मतलब कैसा है उसका सेवा काल कैसा रहा है वो समाज के बीच में कितना रहता है जनता के काम कितना आता है और कितना वो हम सब हर समय अवेलेबल रहता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको पाँच से दस परसेंट जो फ्लोटर वोट है आमतौर पर किसी भी पार्टी को या किसी भी उम्मीदवार को जिताने का काम करते हैं या फिर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पार्टी किसी हवा जो चलती है चुनाव में कभी भाजपा की चलती है कभी कांग्रेस की चलती है या कभी किसी और पार्टी की चलती है जब वो लहर चलती है तो फिर वो लहर पर सवार होकर तो ज़्यादातर उम्मीदवार उस पार्टी के जीत जाते हैं जैसा कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि क्या हरियाणा क्या पूरा भारत बड़ी संख्या में कई राज्यों में मतलब विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत में मोदी जी की लहर चली और मोदी जी के लहर के सहारे भारी तादाद में भाजपा उन राज्यों में भी सत्ता में आ गई जिसमें कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था और वो हुआ मोदी लहर के कारण और मोदी जी के केंद्र में सत्ता में आने के कारण लेकिन दोस्तों समय के साथ बहुत कुछ बदलता रहता है जनता भी परखती है कि ये जो नेता बोल रहा है ये कितना सच बोल रहा है इतने इसने जो जनता से वादे किए थे उस पर वो कितना खरा उतरा है जो जनता की समस्याएं थी उस पर उन, उसने उनका कितना समाधान किया है क्या ये भाषणों में भाषण ही देता रहा है या राशन भी दिया है यानी जमीनी स्तर पर भी जो वादे किए थे क्या उन पर खरा उतरा है तो दोस्तों जो पिछले दस साल के चुनाव थे ज्यादातर लहर पर सवार होकर जीते गए थे चाहे वो केंद्र के चुनाव हो चाहे वो राज्यों के चुनाव हो तो हम असली मुद्दे पर आते हैं और असली मुद्दा हमारा ये है कि हरियाणा में दस साल से भाजपा की सरकार है लेकिन तीसरी बार क्या हरियाणा में भाजपा के लौटने के कोई संकेत हैं? या सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है यानी सवाल यह है कि हरियाणा में सत्ता में कौन आ रहा है तो दोस्तों इस बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा महीनों से कई प्रकार के सर्वे चल रहे हैं ओपिनियन पोल चल रहे हैं और सबके अपने अपने नतीजे हैं लेकिन जितने भी सर्वे या ओपिनियन पोल आए हैं या सोशल मीडिया पर जितना भी प्रचार हो रहा है या हम जनता के बीच में चाहे वो किसी भी वर्ग का चाहे व्यापारी है चाहे मजदूर है चाहे किसान है चाहे फैक्ट्री वर्कर है दुकानदार है तो आम तौर पर हम जितने लोगों से मिल रहे हैं या लोगों से बातचीत कर रहे हैं या हम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं उसी उन्हीं पार्टियों के हालांकि यदि हम भाजपा के किसी नेता से ऑन द रिकॉर्ड बात करते हैं तो कहता है नहीं नहीं हम तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं लेकिन कैमरे से अलग हटकर वो सीधे सीधे कहता है कि इस बार भाजपा का तीसरी बार सत्ता में लौटना नामुमकिन सा लग रहा है ये खुद कई भाजपा के कार्यकर्ता और छोटे बड़े नेता ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में स्वीकार करने लगे हैं तो दोस्तों अभी अभी एक हाल ही में एक वो आया है ओपिनियन पोल आया है एक सर्वे आया है पहले भी कई आते रहे हैं तो उस सर्वे का रिजल्ट क्या है तो दोस्तों मैं उन, उन सर्वों का जो निचोड़ बता रहा हूं या मैंने जो आखिरी सर्वे देखा है जो आजकल में ही आया है उसके अनुसार दोस्तों हरियाणा में भाजपा का तीसरी बार सत्ता में लौटना लगभग नामुमकिन लग रहा है कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है लेकिन भाजपा हरियाणा में सत्ता से दूर होती जा रही है अब आपके मन में आ रहा होगा भाई कैसे किसको कितनी वोट पड़ रही हैं या किसको कितनी सीटें मिल रही हैं तो मैं जो सोशल मीडिया पर जो कई ऐसे सर्वे तैर रहे हैं उनमें से जो हाल ही में आया मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूं कि हरियाणा की 90 सीटों में से भाजपा को 20 सीट के आसपास माइनस प्लस सीटों का दावा सर्वे में किया जा रहा है कांग्रेस को 50 से 55 के बीच में सीटें दी जा रही हैं वो 50 हो सकती हैं तिरपन हो सकती हैं चौवन हो सकती हैं 55 हो सकती हैं माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है लेकिन 50 से ऊपर कांग्रेस की सीटें इन सर्वे में बताई जा रही हैं आई एन एल प्लस बसपा को कई लोग तो ज्यादा कहते हैं और इनेलो बसपा गठबंधन के मुखिया अभय चौटाला तो दावा यह कर रहे हैं कि हम तीसरी शक्ति के रूप में उभरने जा रहे हैं और हम इतनी सीटें लाएंगे या उनका तो दावा है कि भाई हम पंद्रह बीस सीटें इनेलो बसपा गठबंधन लाएगा और हम किसी के पास नहीं जाएंगे बल्कि कांग्रेस या भाजपा हमारे पास आएंगे कि भाई हमें समर्थन दो और हमारे साथ सत्ता में शामिल हो जाओ लेकिन अभय चौटाला का बयान है कि हम हम सत्ता में लौटेंगे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा इन्हें लो गठबंधन की गठबंधन की सरकार बनेगी और इन कांग्रेस की या भाजपा की हमें समर्थन देना मजबूरी हो जाएगी क्योंकि वो तभी सत्ता के साझीदार बन सकते हैं जब वो इनेलो बसपा गठबंधन को अपना समर्थन दें लेकिन दोस्तों वो गठबंधन के नेता है और यदि वो ऐसा नहीं कहेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं का उनके मतदाताओं का हौसला कैसे बढ़ेगा और उनको ये कहना भी चाहिए लेकिन यदि मैं सर्वे की बात करूं तो इस गठबंधन को दो से पांच सीटें इस सर्वे में दी जा रही है और इसके अलावा दो या तीन या दो से पांच के बीच में आजाद उम्मीदवार भी जीत सकते हैं इस तरीके के समीकरण हरियाणा में दिखाई दे रहे हैं यानी लबोलुबाव ये है कि आने वाले आठ अक्टूबर को हरियाणा में शायद भाजपा सत्ता से दूर हो जाएगी और कांग्रेस का लौटना लगभग तय बताया जा रहा है यानी हम अब तक के सर्वे का लोगों से बातचीत से जो हमारा जो अंदाजा लगा है या हमने तय किया है या वरिष्ठ पत्रकारों के जो सर्वे आ रहे हैं या हम पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं उन सब का लबो ये है कि भाजपा हरियाणा में शायद पर, पराजित होने जा रही है और 10 साल बाद कांग्रेस सत्ता में फिर लौट रही है तो दोस्तों यह था मेरा आज का मुद्दा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी देखते रहिए देश रोजाना नमस्कार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा ऐसी ज्यादा शेयर करें